व्हाट इफ मैं बोलूँ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सीक्रेट है वो मोमेंटम को चेज करने में नहीं बल्कि परफेक्ट पुलबैक को टाइमिंग टाइम करने में है। कभी सोचा है कैसे प्रो ट्रेडर्स एग्जैक्टली जान जाते हैं कहाँ पे उन्हें बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है? सो आज के वीडियो में आई प्रॉमिस यू आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इंट्राडे पुलबैक ट्रेडिंग एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े हो गए। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंट्राडे का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि इंट्राडे के कॉन्टेक्स्ट में ये पुलबैक होता क्या है, ये जो मैंने लिख के रखा है इंट्राडे पुलबैक ट्रेडिंग। तो पहले हम समझते हैं कि इंट्राडे के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें व्हाट इज पुलबैक, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है व्हाट इज पुलबैक, राइट? तो देखो हमें पता है कि प्राइस जो हमारा है वो कभी भी इस तरह से मूव नहीं करता है, राइट? वो कभी इस तरह से मूव नहीं करता है। प्राइस हमारा कैसे मूव करता है? प्राइस हमारा ऑलवेज इस तरह से मूव करता है। अगर आप देखोगे तो स्विंग्स में प्राइस हमारा मूव करता है, राइट? इसी तरह से आपको कहीं पे भी दिखेगा प्राइस इस तरह मूव करता है। ये लो हुआ, देन ये एक और लो बनाया, प्राइस ने हायर लो बनाया, L1 बनाया, देन ये L2 बनाया, देन ये L3 बनाया, देन ये L4 बनाया, राइट? एंड ये हाई हुआ, ये हाई बनाया, ये H1 बनाया, ये H2 बनाया, ये जो है H3 बनाया, एंड सो ऑन। तो प्राइस हमारा जो है कभी भी इस तरह मूव नहीं करता है, ये जो आप देख रहे हो कभी भी इस तरह मूव नहीं करता है, ऑलवेज ये हमारा स्विंग्स में मूव करता है, प्राइस इस तरह मूव करता है, राइट? तो अब पुल बैक कहते किसको है? पुल बैक हम उसको कहते हैं जब हमारा प्राइस यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया तो हमने बाई किया, देन जब इस पॉइंट पे गया तो हमने उसको सेल किया। नॉट नेसेसरी दिस पॉइंट, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बाई द डिप सेल द रैली का मतलब क्या होता है। जो भी प्राइस डिप लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करते जाएंगे। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो लो वाले, इन पे हम बाई करते हैं, एंड ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो इस पे हम सेल करते जाते हैं, राइट? तो यही मतलब होता है बाई द डिप एंड सेल द रैली जो लिख के रखा है मैंने, तो पुल बैक का यही मतलब होता है। पुल बैक जो अभी आपने सीखा, पुल बैक हम किसको कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है, मतलब पुल बैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि प्राइस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, प्राइस ही हमारा इस पैटर्न में मूव करता है। तो पुल बैक ट्रेडिंग हम करेंगे तो इस हमें क्या होगा, ट्रेड्स मिलेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस हमारा इस तरह से मूव करता तो फिर पुल बैक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बट ऐसे तो प्राइस हमारा मूव करता नहीं है, राइट? अब आप कैसे स्पॉट करोगे, तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैसे आप स्पॉट करोगे। ये जो लो प्राइस जो लो बनाता है वहाँ पे हम एंटर करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको बताऊंगी, अभी पहले आप ऐसे समझ लो। तो ये जो प्राइस जब इस तरह से लो बनाता है ना, तब हम उसमें एंटर करते हैं। जो भी डिप्स आते हैं, ये फर्स्ट डिप आया, सेकेंड डिप आया, थर्ड डिप आया, फोर्थ डिप आया, तो इन सब पे हम यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे, देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे, राइट? तो ये होता है हमारा पुल बैक। अब हम समझते हैं कि पुल बैक एंड रिवर्सल में डिफरेंस क्या होता है, एंड रिवर्सल में डिफरेंस क्या होता है। एक रिवर्सल होता है, एक पुल बैक होता है। पुल बैक मैंने आप लोग को समझा दिया, रिवर्सल अगर मैं देखूँ क्या होता है, तो मान लो प्राइस हमारा इस तरह से मान लो अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो, एंड वहाँ से फिर मान लो ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ इस वाले पॉइंट से जो हुआ ना वो हमारा रिवर्सल हो गया, इधर जो हुआ हमारा रिवर्सल हो गया। इसके पहले जो चल रहा था ये जो चल रहा था ये हमारा पुल बैक चल रहा था। तो अभी हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है पुल बैक जो होता है ना वो ऑलवेज ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होता है। नॉट नेसेसरी कि वहाँ से जब भी पुल बैक होगा तो नॉट नेसेसरी कि आपका वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड डायरेक्शन में होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में दिखाया, अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे पुल बैक हुआ, फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे हुआ, देन यहाँ पे हुआ, देन यहाँ पे हुआ, बट आपका यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेंड कैन चेंज ऑल्सो, रिवर्सल जब होगा तो वहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज भी हो सकता है। जो एग्जांपल देखो यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ब्यूटीफुल अप ट्रेंड चल रहा था, बट यहाँ से जैसे ही ये रिवर्सल हुआ तो हमारा ट्रेंड जो है अब चेंज हो गया यहाँ से। तो हो सकता है कि या इसमें जो है ट्रेंड चेंज हो जाए, ये जो है ऑलवेज ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होता है, राइट? अब समझते हैं, ये तो आप डिफरेंस समझ गए आप। अब आती है बात हम
हम ये कैसे पता करें कि हमें कब बाई करना है, वेन टू बाई द डिप एंड सेल द रैली, सेल द रैली। हम ये कैसे पता करें कि हमें कहाँ पे करना है, ये तो हम समझ गए कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट होता है, बट हमें कहाँ पे करना है ये हम कैसे समझें। तो इस पे हमने एक डिटेल स्ट्रेटजी बना के आपको दी हुई है, आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके आई बटन पे लिंक देखो, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। अगर मैं उसका एक ब्रीफिंग आपको कर दूँ, डिटेल में दे रखी है हमने, आई बटन पे जाके देख लो आप पहले उसको, ओके। तो देखो हम उसके लिए हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं। प्राइस जो हमारा जब भी इस तरह से स्विंग में चलते 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 जब इस तरह से आता है मूविंग एवरेज पे, एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है, इस तरह से हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ पे फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करते हैं, स्टॉप लॉस हम नीचे लगाते हैं, एंड उसके बाद फिर प्राइस जो हमारा यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके मूव करके फिर आता है मूविंग एवरेज पे, तो फिर हम वहाँ पे बाई करते हैं। तो बेसिकली जितने बार भी प्राइस हमारा डिप हो के मूविंग एवरेज पे आता है उतने बार हम बाई करते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि कहाँ पे आप बाई करोगे, तो इस वाले डायग्राम में देखो आपका यहाँ पे मान लो तीन बार आपका प्राइस जो यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी, एक बार यहाँ पे फिर से आपकी ग्रीन कैंडल बनी, राइट। बट यहाँ पे जो कैंडल बनी मूविंग एवरेज के ऊपर, ये आपकी मान लो रेड कैंडल बन गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले पे हम बाई नहीं करेंगे, सेकेंड वाला जो है इस पे हम बाई नहीं करेंगे, हम जो बाई करेंगे ये वाले पे हम बाई करेंगे, फर्स्ट वाले पे एंड थर्ड वाले पे हम बाई करेंगे, राइट, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी इसीलिए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। अब बात आती है स्ट्रेटजी, तो मैंने आपको बता दिया, एक ब्रीफिंग कर दिया मैंने आपको, अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट इसकी बात तो जब मैं करती हूँ ना तो काफ़ी लोगों को लगता होगा क्या ये पकाऊ टाइप का मैम आप टॉपिक निकाल रहे हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए मैं इसकी बात करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेटिंग स्टॉप लॉस आता है, आप कहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ बाई करने से और सेल करने से नहीं होता, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है। सेटिंग स्टॉप लॉस होता है, तो ये आप दो तरह से लगा सकते हो, या तो आप रिसेंट लो पे लगा सकते हो, जो भी रिसेंट लो होगा, जैसे इस केस में मैंने बोला यहाँ पे आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस, और या फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हो। तो ये मैं इंट्राडे में आपको नहीं बोलूँगी, रिकमेंडेड नहीं है, नॉट फॉर इंट्राडे, ये स्विंग वाली वीडियो में कभी मैं बनाऊँगी ना तो मैं उसमें बताऊँगी। ट्रेल करने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, अब आपका 1:2 कंप्लीट हो गया, मान लो 1:2 आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आप अपना SL जो है वो आप स्विच कर दोगे एंट्री पे कर दोगे। देन मान लो आपका 1:3 कम्प्लीट हो गया, तो आप अपना SL जो है वो स्विच कर दोगे 1:1 पे आप कर दोगे। देन आपका 1:4 कम्प्लीट हो गया, तो आप जो अपना SL है वो आप 1:2 पे कर दोगे। इससे हम ये हमारा ट्रेलिंग मेथड होता है, इससे हम ट्रेल करते हैं अपने स्टॉप लॉस को। एंड जब भी आपका प्राइस जो है इस तरह से, मान लो आपका प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब कैंडल आपकी क्लोज हो जाती है 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ये आपका मूविंग एवरेज है, तो आप ये सारे पोजीशन जो है वो एग्जिट कर दोगे, जितने भी आपके थे सारे आप एग्जिट कर दोगे, राइट। तो ये ट्रेलिंग का मेथड होता है, अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी आप ट्रेल करो। एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, तो ये देखो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपनी ये शीट यूज़ करते हैं, ये आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी हुई है, आप ये हमसे ले सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ऑटोमेट हो जाता है। इसमें देखो आपका रिस्क, यहाँ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आप जो भी आपका कैपिटल आप उसमें डालोगे तो आपका रिस्क देखो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इतना कितना कैपिटल यूज़ हुआ वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, कितना कैपिटल रिमेनिंग है। मान लो 100 पे आपकी एंट्री है, 95 पे आपका स्टॉप लॉस है, इंट्राडे की बात मैं कर रही हूँ, तो देखो आपका 2000 कैपिटल यूज़ हुआ, 18,000 रिमेनिंग है, सारा कुछ आपका कैलकुलेट होकर आ गया, टारगेट आपका 110 रहेगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से, मान लो कुछ भी आपकी एंट्री स्टॉप लॉस बन रही है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी सिखाई, ये वाली जो स्ट्रेटजी सिखाई इसके हिसाब से, राइट। चलो अब हम समझते हैं कि अब हम इसमें मिस्टेक्स क्या क्या करेंगे, इसमें हम कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे, दिखता तो ये बहुत सिंपल है बट फॉर श्योर आप इसमें मिस्टेक्स करने वाले हो, तो इसकी बात मैं पहले ही कर लूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। तो इसमें सबसे पहला मिस्टेक जो आप करोगे वो करोगे ना कि ये हर तरह के ट्रेडिंग में आप करोगे, नॉट ओनली इंट्राडे, एंट्रिंग बिफोर द कैंडल क्लोजेस,
द कैंडल क्लोजेस। उसका मतलब क्या हुआ, मान लो टाइम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमारा चल रहा है, ठीक है, 5 मिनट्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारी मान लो कैंडल ऐसे बन रही है, अभी 5 मिनट्स हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मान लो इस तरह से हमारी कैंडल अभी फॉर्मेशन हो ही रहा है कैंडल का, और ये मान लो आपका ऐसे ग्रीन कैंडल दिखी, अभी ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस इसमें, क्योंकि कैंडल अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, 5 मिनट्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ऐसे ग्रीन कैंडल देख के क्या करोगे ना, वो 5 मिनट्स कंप्लीट होने का वेट नहीं करोगे, उसके पहले ही आप जो है यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो ये मिस्टेक आप करोगे, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको कैंडल कंप्लीट होने का वेट करना है, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इसमें एंटर करोगे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, राइट। देन फिर आप फॉल्स डिप्स पे आप बाई करोगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ फॉल्स डिप कैसा दिखता है। फॉल्स डिप्स पे आप बाई करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह से मान लो प्राइस चल रहा है, इस तरह से प्राइस चल रहा है, यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, एंड यहाँ पे एक सिंगल हमारी एक कैंडल का स्विंग हमें मिल जाएगा, इस तरह से बहुत ही बड़ी सी कैंडल का स्विंग मिल जाएगा, बहुत बड़ी सी विक मिल जाएगी इसमें, तो एक ही कैंडल का स्विंग रहेगा, ओके। जब प्राइस नीचे आया, पुल बैक हुआ, तो एक कैंडल का ही बस हमें स्विंग मिला, तो इस पे आप बाई कर लोगे, क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से तो ये बिल्कुल ट्रेडिंग सेटअप पे है, राइट, कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये है तो बिल्कुल ट्रेडिंग सेटअप पे, बट ये हमारा एक कैंडल का स्विंग है, तो आपको इसको भी नहीं बाई करना है, आपको इसको अवॉइड करना है, इसको फॉल्स डिप हम लोग कहते हैं। एक कैंडल का जब स्विंग होता है, आपको ब्यूटीफुल 2-3 कैंडल का स्विंग चाहिए, यहाँ पे इस तरह से 2-3 कैंडल का स्विंग चाहिए, तब आप बाई करोगे। मैं आपको अभी चार्ट्स पे भी दिखाती हूँ, डोंट वरी, पहले आप ये थियोरेटिकल समझ लो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, ये दोनों मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, एंड मैंने रेस्ट आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल होता है, हमारी स्ट्रैटजी इसी पे बनी हुई है, बाय द डिप एंड सेल द रैली पे ही हमारी पूरी स्ट्रैटजी जो हम यूज़ करते हैं, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, इसको बैक टेस्ट करो। चलो मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखाती हूँ, एक एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है ये एग्जांपल बहुत, ये डेली चार्ट है, फिर भी आप देख लो, ये वाला जो एग्जांपल था ये बहुत अच्छा एग्जांपल था डिप पे बाई करने का। ये देखो 3-4 कैंडल का स्विंग है, राइट। इसके अपोजिट अगर मैं कहीं पर आपको दिखाऊँ एक कैंडल का स्विंग, ये देखो ये एक बिग कैंडल का स्विंग है, ये वाला जो आप देख रहे हो एक बिग कैंडल का स्विंग है। तो जो मैंने आपको ये वाला दिखाया ना कि बिग कैंडल के स्विंग पे आपको नहीं करना है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, तो इस टाइप का आपको ऑलवेज मिलेगा, तो ये आपको अवॉइड करना है, राइट। तो ये था हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा एक लर्निंग वीडियो, आप इसको बैक टेस्ट करो एंड यूज़ करो, आप इसको श्योर आप इसमें प्रॉफिटेबल बनोगे। एंड ये ट्रेडिंग, ये इंट्राडे की रिस्क मैनेजमेंट शीट है, आपके पास नहीं है तो आप अभी के अभी हमसे ले लो, आप किसी की भी स्ट्रेटजी यूज़ करो, आपको ये हेल्प करने वाली है। एंड वीडियो एंड करने से पहले, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, जाके फटाफट से देखो, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख के आप हमसे ये वाली शीट भी ले लो, क्योंकि हमारे चैनल पे, इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स को चेक करके आपको फीडबैक देंगे। तो अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से ये शीट लेके बनाओ एंड हमें सेंड करो, हमारी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, उसका आप लोग फ़ायदा उठाओ, राइट। एंड वन मोर थिंग, अब आपको मंडे से हम ये ऐसा प्लान कर रहे हैं, आपको सैटरडे संडे तक कम्युनिटी पे अपडेट मिल जाएगा कि अब हम एक वीडियो डालेंगे, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे अभी आपको दो वीडियो मिल रही थी ना, 5 o'clock एंड 9 o'clock पे, तो अब आपको सिर्फ 9 o'clock पे मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो मिलेगी हमारी साइड से, बट वो और ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको उसमें मिलेगा। तो हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, जो अपडेट होगा आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो में, तब तक अच्छे से वीकेंड एंजॉय करो एंड प्रैक्टिस वगैरह करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।